ओके गाइस व्हाट्स अप। ए भाई पगला गया क्या, ऐसे कौन वीडियो चालू करते है। हाँ मैं बोला था यार कि थोड़ा जोश के साथ चालू करना है, लेकिन इतना भी जोश नहीं चाहिए। तू रहन दे भाई, मैं ही कर लेता हूँ। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप सभी का एक और नए 25 फैक्ट्स वाली वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में जो हमारा एनिमे होने वाला है वो 2019 का बेस्ट एनिमे है, यानी कि डीमन स्लेयर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के 25 फैक्ट्स के बारे में। तो आओ यार। नहीं तो आओ यार, अपनी शक्ल से फिल्टर हटाओ और शुरू करते हैं बिना किसी चोदी के। फैक्ट नंबर वन, किमित्सु नो याइबा यानी कि जो डीमन स्लेयर है उसके जो क्रिएटर है उनका नाम है कोयोहारो गतोई। और गाइस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो कोयोहारो गतोई है वो एक वूमेन है जिनकी एज है 30 ईयर्स। और गाइस कोयोहारो गतोई इतना ज़्यादा सीक्रेट रहती है कि हम लोग को अभी तक उनका चेहरा तक नहीं पता चला है, और ना ही हम लोग को उनका कोई भी सोशल मीडिया इंटरनेट में देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर टू, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने अपने पिछले 25 फैक्ट्स वाली वीडियो में, यानी कि जो अटैक ऑन टाइटन की 25 फैक्ट्स वाली वीडियो थी, उसमें ये कहा था कि जो अटैक ऑन टाइटन है वो वन पीस के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया था 2014 में, लेकिन उसको हरा नहीं पाया था। और गाइस सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि एक ऐसा एनिमे आ चुका है जो कि वन पीस को सरपास कर दिया है, और वो एनिमे कोई और एनिमे नहीं है, वो है अपना डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर ने 2019 में वन पीस की 10 इयर्स की जो स्ट्रीक है उसको तोड़ दिया था। 2019 में जो डीमन स्लेयर की कॉपी सेल हुई थी वो सेल हुई थी 12,057,628, और जो वन पीस की कॉपी सेल हुई थी वो थी 10,134,232। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो डीमन स्लेयर है वो 2 मिलियन ज़्यादा सेल हुआ था वन पीस से। फैक्ट नंबर थ्री, हर एनिमे की तरह ही डीमन स्लेयर का भी पॉपुलैरिटी पोल हुआ था, जिसमें जो नंबर वन था वो आया था तांजीरो, जिसके जो वोट्स थे वो थे 6,742, और सेकंड प्लेस में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर ने जगह बनाई थी जिसका नाम है जिनित्सु विथ 4,299 वोट्स, और नंबर थ्री में हम सबकी प्यारी रास दुरारी ब्यूटी ऑफ आवर होम टाउन नेजुको ने जगह बनाई थी विथ 3,319 वोट्स, और नंबर फोर में आता है गियो जिसके वोट्स थे 2,119, और फिर नंबर फाइव में आता है इनोसुके जिसके वोट्स थे 1,977। फैक्ट नंबर फोर, जो निचिरिन पेट रहती है वो डीमंस को इस कारण मार पाती है क्योंकि दिन के समय वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेती है, और हम सब जानते हैं कि जो सनलाइट रहता है उससे डीमंस मर जाते हैं, और इसी कारण जो निचिरिन पेट्स है वो डीमंस को मार पाती है। और निचिरिन पेट से रिलेटेड एक और भी फैक्ट है कि इसको कोई भी शेप में बनाया जा सकता है, और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को आने वाले फैक्ट में देने ही वाला हूँ। फैक्ट नंबर फाइव, जो निचिरिन ब्लेड है उसको एक फिक्सनर ओर से बनाया जाता है जिसका नाम है स्कारलेट ओर, और ये जो ओर है वो सनलाइट माउंटेंस में मिलता है क्योंकि सनलाइट माउंटेंस में बहुत ही ज़्यादा सनलाइट आती है, जिसके कारण जो ये ओर है वो यूवी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, और निचिरिन ब्लेड इसी कारण डीमंस को मार पाती है। फैक्ट नंबर सिक्स, जो मिस्टर उरोकोडाकी है उनके पास भी तांजिरो के जैसे ही सेंस ऑफ स्मेल है। जब जो गियो है वो मिस्टर उरोकोडाकी को रेटर भेजता है तांजिरो के बारे में, तो उसमें वो ये लिखता है कि आपकी तरह ही इस बंदे के पास भी सेंस ऑफ स्मेल है, जो कि इस चीज़ को प्रूफ करता है कि मिस्टर उरोकोडाकी के पास भी सेंस ऑफ स्मेल है। और इतना ही नहीं, जब पहली बार मिस्टर उरोकोडाकी नेजुको और तांजिरो से मिलते हैं तब मिस्टर उरोकोडाकी को पता चल जाता है कि तांजिरो का नेचर कैसा है, जो कि ओनली पॉसिबल है सेंस ऑफ स्मेल से। फैक्ट नंबर सेवन, जब जो तांजिरो है वो फाइनल सिलेक्शन में जाता है तो उसका सामना होता है हैंड डीमन से, और जो हैंड डीमन है वो तांजिरो के स्कार में जोर से मार देता है, और उसका जो स्कार है वो पूरा खूना खून हो जाता है, और जब उसका स्कार हील होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो तांजिरो है उसके स्कार का कलर और शेप बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो कि दिखने में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैक्ट नंबर एट,
जो गियो का पहले का डिज़ाइन था वो अभी के उसके डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। आप अपने स्क्रीन में देख ही सकते हो कि गियो के पुराने डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस उसके कपड़ों में थोड़ा सा चेंज है। फैक्ट नंबर 9, जो डिमन स्लेयर का पॉपुलैरिटी पोल हुआ था उसमें जो गतोई सेंसे हैं वो नंबर 9 में आई थी, जिनके जो वोट्स थे वो थे 331। और गाइस सबसे मस्त चीज़ तो ये कि जो मुजान है यानी कि जो सीरीज़ का मेन विलन है वो खुद नंबर 11 में आया था। तो यार मानना पड़ेगा कि मुजान से ज़्यादा लोग सेंसे को पसंद करते हैं। Feel my leg and my arm, even my fingers. Fact number 10, जो गियो का क्रो है यानी कि जो उसका कौवा है वो बहुत ही ज़्यादा उम्र में ओल्ड हो चुका है, और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होने के कारण ही वो बहुत ही सारी मिस्टेक्स कर देता है, और कभी कभार वो जो मिस्टेक्स रहती है वो गियो को काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी कर देती है। Fact number 11, जो शब्द पिलर है उसमें 9 स्ट्रोक्स हैं, और शायद इसी कारण सीरीज के स्टार्ट में हम लोग को 9 हसी रास यानी कि 9 पिलर्स देखने को मिले थे। फैक्ट नंबर 12, जो गियो है वो अकेला डीमन स्लेयर का ऐसा कैरेक्टर है जिसके स्पिन ऑफ्स निकाले गए। अगर आप लोग को स्पिन ऑफ का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है कि एक कैरेक्टर के लिए अलग से पूरा स्टोरी बनाना। और अगर आप गियो के फैन हो तो आप खुश हो जाओ क्योंकि गियो के 2 स्पिन ऑफ निकाले गए। जो उसके स्पिन ऑफ का नाम है वो है गियो तोमियोका गाइडन 1 और गाइडन 2। और इस स्पिन ऑफ में हम लोग को उस समय की कहानी बताई गई है जब जो गियो है वो नेजुको और तांजिरो से मिल जाता है। तो अगर आप लोग को भी जानना है कि तांजिरो के ट्रेनिंग के समय गियो क्या करता है तो आप ये स्पिन ऑफ को पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 13, जो डीमन स्लेयर क्रॉप्स का यूनिफॉर्म मेकर है उसको इनोसुके नहीं पसंद, और उसको इनोसुके इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि जब भी वो इनोसुके के लिए कपड़े बनाता है तो इनोसुके उसको ऊपर से फाड़ देता है, और इसी कारण दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छे से जमता नहीं है। हाँ, वैसे तलवार वाले को भी इनोसुके नहीं पसंद। फैक्ट नंबर 14, डीमन स्लेयर की एपिसोड 1 की ओपनिंग में हम लोग देख सकते हैं कि जो 9 पिलर्स का सीन रहता है उसमें सिर्फ गियो का जो चेहरा है वो अच्छे से दिख रहा है, बाकी सबके चेहरे नहीं दिख रहे। और ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि उस समय तक 9 पिलर्स पूरे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए थे। और वहीं अगर हम देखें एपिसोड 23 की ओपनिंग तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो सभी पिलर्स हैं उनका चेहरा दिखा दिया गया है, क्योंकि उस टाइम तक सभी पिलर्स हम लोग को इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे। फैक्ट नंबर 15, तेंजिन उजुई और इनोसुके अकेले ऐसे 2 डीमन स्लेयर हैं जिनके पास 2 निचरिन ब्लेड है। फैक्ट नंबर 16, शिनोबू के जो पेरेंट्स थे वो दवाई बनाने वाली जगह में काम करते थे, और इसी कारण जो शायद शिनोबू है उसको दवाइयाँ के बारे में इतना ज़्यादा पता है। फैक्ट नंबर 17, मित्सुरी काइरोजी का जो वेपन है यानी कि जो उसकी निचरिन ब्लेड है जो कि एकदम फ्लेक्सिबल है वो साउथ इंडिया के स्वार्ड से लिया गया है जिसका नाम है उरोमी, और इसी कारण जो उसका वेपन है वो फ्लेक्सिबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है अभी बहुत घटिया होने वाली है, तो इस कारण मेरे को माफ़ कर देना क्योंकि मेरे को नाम लेना अच्छे से नहीं आता है। फैक्ट नंबर 18, ओबोनाई इगुरु के गले में जो सांप लगा रहता है उसका नाम है कबूरा मारू, और ओबोनाई ये बोलता है कि जो उसका स्नेक है वो उसके पेट से ज़्यादा एक फ्रेंड जैसा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 19, ये फैक्ट भी ओबोनाई इगुरु के ऊपर होने वाला है। तो कोयोहारू गतोई ने एक बार ये बताया था कि जो ओबोनाई इगुरु है वो सभी 9 पिलर्स में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है फिजिकल स्ट्रेंथ में। एक बार सबका आर्म रेसलिंग हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था वो था ओबोनाई, तो इससे ये हम लोग को पता चल जाता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है फिजिकल में वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। फैक्ट नंबर 20, कियोशी के तरह ही जो सानेबी है यानी कि जो विंड पिलर है वो भी एक मारेची है, और जो सानेबी है उसका खून इतना ज़्यादा कम पाया जाता है कि वो मारेची के लिए भी एक रेयर खून है। फैक्ट नंबर 21, तेंजिन उजुई के हिसाब से मुइचिरो तोकितो और गयोमी हिमेजिमा ये अकेले ऐसे 2 पिलर्स हैं जिन्होंने डीमन स्लेयर बनने के 2 महीने बाद ही हसीरास में अपनी जगह बना ली थी, और इससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है।
फैक्ट नंबर 22। तो अगर आप लोग को याद हो तो फोर्थ फैक्ट में मैंने बोला था कि जो निचरिन ब्रेड है वो कोई भी शेप में जा सकती है, और इसका एग्जांपल भी मैं आप लोग को आने वाले फैक्ट में दूंगा। तो इसका एग्जांपल अभी आप लोग को 22 फैक्ट में मिलने वाला है। तो जो ग्योमी है वो अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो निचरिन ब्रेड यूज़ नहीं करता, वो यूज़ करता है चेंड एक्सेस, और जो एक्सेस है वो भी डेमन्स को मार सकते हैं क्योंकि वो भी स्कारलेट ओर से बने थे। जैसा कि मैंने कहा था कि जो निचरिन ब्रेड रहता है वो कोई भी शेप में जा सकता है, तो इसका एग्जांपल आप लोग अभी देख ही लियो। फैक्ट नंबर 23। आप लोग ने ये तो देखा होगा कि जो ग्योमी है उसकी आंखें एकदम वाइट है, पर क्या आप लोग को पता है कि जो ग्योमी है वो कुछ भी नहीं देख सकता है, यानी कि जो ग्योमी है वो अंधा है। और अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला है कि जो ग्योमी की आंखें हैं वो किसी एक्सीडेंट के कारण ऐसी हुई है या फिर वो बचपन से ही ऐसा है। फैक्ट नंबर 24। वॉल्यूम 18 के कवर में जो कनाओ की स्वॉर्ड है वो राइट साइड में, बट एक्चुअल में वो लेफ्ट साइड में रहती है। और इसी चीज को लेके वॉल्यूम 18 के रिलीज के बाद कोयोहारु कतोई ने अपने फैंसों से सॉरी कहा था। हालांकि ये गलती भी बहुत ही कम लोग ने नोटिस करा था, पर फिर भी उन्होंने सॉरी बोला। फैक्ट नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट फैक्ट। जब निजुको इंसान रहती है तब उसकी आंखों का कलर रहता है डार्क रेड प्लस लाइट पिंक, और जब वो डीमन बन जाती है तब उसकी आंखों का कलर हो जाता है लाइट पिंक, और उसका जो लाइट पिंक कलर रहता है वो उसके किमोनो के साथ मैच भी करता है। हाँ, वैसे जो निजुको है वो हुमेन में ज़्यादा सही लगती है। अरे यार कौन आ गया? अरे मैं सिर्फ तारीफ कर रहा था। अरे बचाओ यार। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो।